मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां मजदूरी करने आंध्र प्रदेश के खम्भम गए लगभग 30 लोगों का समूह आज शाम गोंदिया से पैदल चलते हुए बालाघाट की सीमा में प्रवेश किया। पुलिस के गश्ती दल ने रोक कर पूछताछ की, लेकिन कोरोना संक्रमण के लिए फेमस आंध्र प्रदेश से आए इन मजदूरों के चिकित्सीय जांच किए बिना रवाना कर दिया गया। एक मजदूर ने बताया कि कल ट्रेन से गोंदिया आए थे, बालाघाट आने के लिए सुबह 4 बजे निकले थे। मजदूरों ने कहा आज रात कहीं बसेरा करेंगे और सुबह पैदल ही मंडला चले जाएंगे। स्थानीय लोगों ने इन मजदूरों को नाश्ते का सामान और फल देकर मानवता का परिचय दिया। कहाँ के रहने वाले हो? अभी आप लोग पैदल पैदल कहाँ से आ रहे हो? गोंदिया। अरे पैदल आ रहे हो गोंदिया से? तो गोंदिया कब आए थे आप लोग? 4 बजे सुबह। काहे से आए थे? ट्रेन में चढ़ा दे रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा, और जाने का क्या साधन है अब तुम्हारे पास? कोई साधन नहीं। कितने दिन से थे तुम लोग वहाँ पे? आंध्र पे हम लोग 1 महीना से ज़्यादा हो गया। अब सवाल यह है कि इन मजदूरों को बिना जांच किए ही क्यों छोड़ दिया गया। सवाल यह भी है कि क्या मजदूरों को भूखे प्यासे ही पैदल मंडला जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन मानवता के नाते इन लोगों को मंडला पहुंचाने का कोई इंतजाम नहीं कर सकता। यह सभी सवाल जिम्मेदार अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और भी खास खबरों के लिए देखते रहिए BSP 24 न्यूज़। बालाघाट जिले से जिला क्राइम रिपोर्टर कमल कोडले की खास रिपोर्ट।